दबंगई, गुंडई, फरेबी, झूठापन, खरीद फरोख जो सरकार ने किया है ये किसी से छुपा नहीं है। घंटा बजवाएंगे बाबा जी को। मीडिया खरीद लिए है, मीडिया योगी योगी चिल्ला रही है, आप मोदी मोदी चिल्ला रही है। इसका नाम और निशान मिटाने का काम यही उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। बलात्कार हो रहे हैं, डेली की डकैती पड़ रही है, बेरोजगारी है, और क्या होगा। सीएम योगी के काम से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर है उसका। कितने वोटर हैं शायद इस योगी से वाकई में ही नफरत करते हैं। 10 में से 00 देंगे योगी जी को हम। योगी ने 4.5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे युवा और किसान खुश हो। इन्होंने केवल और केवल सबसे पहले इन्होंने केवल झूठा और जो है फरेबी बनने का काम किया है हमेशा से ही। इनका एक भी योजना, ये केवल केवल उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा केवल और केवल अपने जो है प्रचार और प्रसार में खर्च कर रहे हैं। जहाँ जमीन धरातल की बात आती है वहाँ इनका एक भी प्रतिशत किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनी, तब से ये देखने को मिल रहा है कि महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। इनकी जो भी इनका जो है योजनाएं आती हैं ये केवल हवा में रहती हैं। इनकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पे हो, और उस मुद्दों पर मैं तो कहता हूं कि उस मुद्दे पर बीजेपी के लोग हमसे चर्चा कर लें, मुझसे बहस कर लें, डिबेट कर लें, मैं उनको मुंह तोड़ के जवाब दे दूंगा। क्या बीजेपी अपने वादों पे खरी नहीं उतर पाई? नहीं भाई, बीजेपी ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश सरकार में वो पूरे नहीं किए। किसान आज बुंदेलखंड में ऐसा हो रहा है कि अपना मतलब किसानों के बारे में कोई सोचा ही नहीं जा रहा है। इतना किसान परेशान है, सभी लोग सभी लोग परेशान है। हम लोगों को बेरोजगार भी नहीं मिल रहा है, इतने मतलब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इनको कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो अब तो देखते हैं 2022 में तो क्या होता है। अब देखिए जनता ने क्या माहौल बनना, क्या मूड बनाया। देखिए यूपी की जनता ने ठान लिया है, यूपी की जनता ने और यूपी के नौजवानों ने, यूपी के किसानों ने, बेरोजगारों ने ठान लिया है कि आपको किस प्रकार से आने वाले समय में 2022 में मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाएगा। तो मैंने देखा कि इन्होंने फर्जी तरीके से लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया। ये सरिया सर गलत पोस्टर है। तमाम पोस्टर अभी मैं देख रहा था, तो ये केवल और केवल पूरा देश का पैसा प्रचार और प्रसार में खर्च कर रहे हैं अपने खुद की। ये योगी जी और मोदी जी कहीं ना कहीं देश को, आज जैसे कि अभी पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव में पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जिस प्रकार से दबंगई, गुंडई, फरेबी, झूठापन, खरीद फरोख जो सरकार ने किया है ये किसी से छुपा नहीं है। आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात आज जो है देखिए, आप महिलाओं का अपमान सरेआम, महिलाओं की साड़ियां जो है फाड़ी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, और आज जो है एसी में बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवी लोग उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो महिलाएं हैं जो राजनीति में हिस्सा लेना चाहती हैं या राजनीति करना चाहती हैं, देश की जो एक्टिव महिलाएं हैं, यदि वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो योगी और मोदी सरकार ये जो है अपने प्रशासन को इशारा करके उनके ऊपर बदतमीजी और योगी के गुंडे उनके ऊपर अत्याचार और षड्यंत्र के तहत उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। ये महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की विरोधी सरकार है, और आने वाले समय में 2022 में उत्तर प्रदेश में बाबा जी को जो है फिर से मंदिर भेजने का काम करेंगे यही किसान, यही नौजवान। घंटा बजवाएंगे बाबा जी को। कितना खुश हो योगी जी के काम से? योगी जी के काम से, योगी जी काम क्या किए हैं? कोई काम बता दो तुम्हें कि हाँ ये काम को योगी जी ने किया। उन्होंने क्या किया? कितने अस्पताल बनवाए हैं, कितने स्कूल बनवाए हैं? अरे इनकी तो यही है कि गरीब का लड़का न पढ़े न आगे बढ़े, इसीलिए आज 2 साल से स्कूलें बंद हैं। ये बताओ गरीब के पास तो ना मोबाइल है कि वो पढ़ाई पढ़े, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़े हैं। अब गांव में रहने वाले ये गरीब के बच्चे तो क्या करें, दिन भर खेल रहे हैं इधर उधर। योगी जी तो कह रहे हैं हमारे 4 साल बेमिसाल रहे, उन्होंने तो प्रोग्राम। अरे तो योगी जी कह रहे हैं कोई दिखावे तो, कोई फील्ड में चल के दिखावे तो हाँ, कोई काम नहीं किया उन्होंने। अरे मीडिया खरीद लिए है, मीडिया योगी योगी चिल्ला रही है, आप मोदी मोदी चिल्ला रही है, इसके सिवा इनके पास और कोई चारा नहीं है। पोस्टर छपवा करके विदेश का पैसा बर्बाद कर दे, जितना मर्जी कर ले। विदेश का या जनता का? जनता का पैसा ये कर रहे हैं, और विदेश का पैसा उनके पास आ रहा है कि विदेश में उनके तो तमाम पोस्टर लगवा दिए दिल्ली में। अरे दिल्ली में लगवा दिए, दिल्ली में नहीं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी में यही करते थे। यूपी की जनता बताती ना कि हाँ ये योगी जी कहाँ करवाए हो, तनी आगे बताओ तो।
क्या यूपी खुशहाल नहीं है? देखिए अब चाचा जी की बातों से, आपकी बातों से एक हमारी कहावत याद आ गई, हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि जाके पाँव न फटी बमाई, जाके पाँव न फटी बमाई, बोका जाने पीर पराई। तो शायद बाबा जी की औलाद नहीं है और बीवी बच्चे नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई औलाद नहीं है, शादी की थी उनने, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कहावत कहीं ना कहीं एकदम सरियासर सही है कि उनकी कोई औलाद नहीं है, जिनके पाँव में बीमारी ना फटी हुई वो काऊ की जो है पीर नहीं समझ सका। आप ही लोगों ने था ना, देखिए चुना था क्योंकि कांग्रेस सरकार से कहीं ना कहीं नाखुश थे काफी। हम लोगों ने सोचा था कि बदलाव होगा, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से दिखाया था कि योगी हिंदुस्तान में जो है सरकार आएगी मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो हम लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर देख करके उनको जो है वोट दिया, लेकिन ऐसा कहीं हम लोगों को देखने को नहीं मिला। और आने वाले समय में ठान लिया है हम लोगों ने, इसमें कोई बात छुपी नहीं है, हम लोगों ने पूर्ण तरीके से ठान लिया है कि इनका नाम और निशान मिटाने का काम यही उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। ये किसान भाइयों को जिस प्रकार से खून के आंसू रुला रहे हैं, ये इनको ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान का किसान बुरी तरीके से परेशान है और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगा किसान। क्या माहौल है यूपी का? आप यूथ हैं, युवा हैं, क्या सोच रही है जनता यूपी की? जनता तो ऐसा है कि आपको बताएं, हम तो हालांकि देखते हैं गाँव में भी और मतलब शहर में भी, झांसी में देखते रहते हैं, तो युवाओं का कहना है कि हम तो बिल्कुल योगी को वोट नहीं देंगे। मतलब योगी को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आज 4 लाख लोगों का मैंने देखा कि 4 लाख नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार का वोट देखा हुआ है, सीधा कहा है, तो बोले बिल्कुल भी हम खुश नहीं हैं। यूथ लोगों ने, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहा है। और दूसरी बात कि जो गांव के लोग थे बेचारे बाहर डले थे, उनको इतना परेशान करके रखा है, गांव में भी कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना जिस तरीके से मतलब योगी सरकार कर रही है। ताओ क्या लग रहा है यूपी में किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या माहौल है? 7 महीने बाद वोटिंग होनी है भाई, ऐसा देखियो सरकार अभी तो कोई हम तय नहीं करते हैं, वो तो जब समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। इतना रुष्ट है यूपी में आदमी कि वोट के जीरो कर देगा इनको, बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को जीरो कर देगा बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, भाई देखो जनता इसमें जो है ना यूपी में ऐसा हाई है, जिसको देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। देखो एक बार मायावती को दिया तो निर्बोध जता दिया, एक दो अखिलेश को दिया तो अखिलेश को निर्बोध जता दिया है, तो सीटें एक लंगी चुनाव होता है, ये अभी तो कोई बात नहीं है, और जब एक रात में चुनाव बदल जाता है यूपी का। किस मुद्दे पर वोट करोगे इस बार? विकास के और बेरोजगारी के, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि हम परेशान हैं। विकास बेरोजगारी पर, आप तो जातिवाद यहाँ रोजगार नहीं है हमारे पास, रोजगार नहीं है सबसे पहले तो 33% सैलरी कट करके मिल रही है, मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, बच्चे कहाँ से पालेंगे? पर देश तो मजबूत हाथों में है ना? काय की किसके हाथों में, मजबूत हाथों में बलात्कार हो रहे हैं, डेली की डकैती पड़ रही है, बेरोजगारी है, और क्या होगा? सीएम योगी के काम से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर है उसका। 0 नंबर बिल्कुल। आप कितने नंबर दोगे? माइनस वन। ताऊ जी आप एक तजुर्बेदार इंसान हैं, क्या अभी भी माहौल बदल सकता है क्या यूपी में? अभी तो 7 महीने हैं चुनाव में, अभी भी बदल सकता है क्या? नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ है लोग? नहीं, हम तो बीजेपी के खिलाफ क्या किसी के खिलाफ नहीं है, पर हिंद ये यूपी बिल्कुल बदल जाएगी, मतलब इस बार बदलेगा। मन बना लिया आप लोग? बना लिया, किसानों ने बना लिया, मजदूरों ने बना लिया। भैया इन्हें दिया क्या ये बताओ पहले? 7 साल से राम मंदिर बनवा तो रहे हैं। राम मंदिर भैया ऐसा राम मंदिर बनवाया उन्होंने तो, इन्होंने नहीं बनवाया, वो कोर्ट ने बनवाया है, और फिर राम मंदिर खाने के लिए थोड़ी दे रहा है। गौशाला तो बनवा रहे योगी जी? हाँ। गौशाला बनवा रहे हैं तो क्या गौशाला जो बन रही है गांव में, जो गौशाला बनी हुई है उनको खाने के लिए भूसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये लोग ग्राम प्रधान के लिए भी होता है ये सब, मतलब की जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं करता है, हमने देखा है ऐसा। हमारे गाँव में गौशाला बनी हुई है, दल जो बने हुए भी नहीं करते कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ गाँव में गौशाला बनी हुई है तो कोई कुछ नहीं करता है, गाँव में भैंसों को हम लोग मतलब गायों को हम लोग भूसा देते हैं निःशुल्क। हमारे पिताजी ने कम से कम 2-3 क्विंटल भूसा दिया है गौशाला में, कोई मदद नहीं करता है। भैया मैं भी एक थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ इस सरकार से कि ठीक है इन्होंने गौशाला खोली है, मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और एक ड्राइवर आदमी भी हूँ, मैं रोड पे डेली देखता हूँ कम से कम 10-10 गायें ऐसी पड़ती हैं, दिल्ली में तमाम गायें सड़ी फिरती हैं रोड पे,
तो उसके लिए क्या करते हैं ये? नु मैं गौशाला बना रहा हूँ, मैं गाय के लिए ये कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? ये रोड पे सड़ रही हैं। पहले एक गाय मर जाती थी तो ये हिंदू मुस्लिम करवा देते थे, होता नहीं हिंदुत्व की बात आ जाती थी कि एक गाय कहीं रोड पे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में हो जाती थी तो ये सरकार क्या करती थी। मैं खाली बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, सब सरकारों के लिए बोल रहा हूँ कि ये किसी मुसलमान ने मार दी, सालों को भड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, है? लेकिन आज क्या हो रहा है सर? यूपी का इतिहास रहा है कि जो वोट होता है वो जाति धर्म और ये बीजेपी वालों के होता, क्या इतिहास बदला जाएगा या दोहराया जाएगा? ये बीजेपी वालों के मन की बात है कि हम ये जातिवाद चुनाव के वक्त जातिवाद ले आते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू हमें दे देगा, बेकार ही मान जाएगा। विकास के नाम पे वोट करोगे? विकास हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा है विकास, बताइए? किस पे कागजों में विकास है? क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट करने का? मुद्दा ये रहेगा भाजपा भगाओ और किसानों मजदूरों का विकास करो। जब किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, ये सिर्फ पूंजीपति ही लोग ही धन्ना सेठ हो रहे हैं, पूंजीपति आगे बढ़ रहे हैं, मजदूर किसान नीचे दब तक चला जा रहा है। जी ताऊ कहाँ से हो आप? मैं देवरिया यूपी से हूँ। क्या लग रहा है, क्या किसकी बनेगी सरकार इसको? देखिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं और जितने वोटर हैं शायद इस जोगी से वाकई में ही नफरत करते हैं। जोगी कौन? ये जो हमारे मुख्यमंत्री। अच्छा, जोगी जी। हाँ, क्योंकि हम मजदूर भी इतने ज़्यादा दुखी हैं जो कि इनको तो नहीं मांगते हैं कि हाँ ये जोगी हमारे देश का सरकार चलाएं और हम मजदूरों को दुखी करें। वो तो कह रहे हैं यूपी के लोग खुशहाल हैं। हम योगी जी हेलीकॉप्टर से घूमते हैं इसीलिए वो बता रहे हैं। अगर हम जैसे सड़कों पे घूम के देखें तो उनके आंखें जो दो है वो चार हो जाएगा, क्योंकि उनको फिर दिखाई देगा। तो जमीन पे नहीं देख रहे हैं? ना 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 ना, वो तो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, उनको क्या पता है कि ये नंगे हैं रोटी खाए या ना खाए। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं तो सभी उड़ ही रहे हैं। कोई काम तो अच्छा क्या होगा योगी जी ने? साढ़े चार साल में खत्म ही होने वाले, पाँच साल। साढ़े चार साल में मैंने ये देखा कि कश्मीर में लड़ाई करवाया, कुछ लोगों को मरवा दिए इन लोगों ने, यूपी में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा करके और बंटवारा कर दिए हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान का हमें वोट नहीं चाहिए और हिंदू का वोट नहीं चाहिए। अगर हिंदू और मुसलमान अगर ना वोट दे तो सरकार तो कोई भी नहीं बना पाएगा। तो हम मन बना लिया बीजेपी को हटाने का? हमने भी बना लिया और पूरे देश का लोग बना रखे हैं कि ये जो है कि ये सरकार बीजेपी ना हो तो अच्छा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। चाहे सर 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए चुनाव का जो मुद्दा है ना, सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय किया है, सब केंद्र का मामला ना, ये केंद्र का मामला है तो केंद्र से ही जुड़ा हुआ सारा प्रदेश होता है। प्रदेश को बीजेपी की सरकार है यहाँ, किसी भी सरकार हो, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केंद्र की सरकार से राज्य सरकार जुड़ा होता है। राज्य सरकार का क्या धर्म नहीं बनता है कि किसानों की मांग को लेकर केंद्र में बहस करें? क्यों नहीं करते योगी बाबा? इसलिए जनता चाहिए। हाँ, तब हम मानते हैं कि वो किसानों के हित साथ में है तो किसान उनके बारे में सोचते हैं। वो तो कह रहे हैं किसान खुशहाल है यूपी का। गलत कह रहे हैं ना, झूठी है, सच्चाई नहीं है। कह रहे हैं एमएसपी पे खरीद हो, ये रिकॉर्ड तोड़ी, गलत बात है। देखो मैं अपना बता दूं, हमारा उत्तर प्रदेश देवरिया जिला, समझ गए, और मैं एक बहुत छोटा किसान हूँ, तो हमारे हिस्से में भाइयों में बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में 4.25 बीघे के आसपास जमीन आई है, 4.5 मान लीजिए वो हमारे हिस्से में आई है, वो जमीन है। बीघा आई है? एकड़? बीघा। बीघा हमारे यहाँ का बीघा भी यहाँ के बीघे में फर्क है। हाँ, तो जब हम उसकी खेती करते थे तो हम अपने बच्चे नहीं पाल पाते थे, फिर हम वहाँ से दिल्ली आए, अपना मजदूरी किए, फिर बच्चों को थोड़ी थोड़ी केवल कहते हैं ना कि रोटी खिला के जिलाया, बाकी कोई फैसले। किसान मुद्दा अहम रहेगा? हाँ भाई, हम किसान के बेटे हैं और किसान, हर आदमी जो अन्न की रोटी खा रहा वो किसान के फेवर में है और जो गोबर की रोटी खा रहा वो किसान के खिलाफ है। हमने आप ही के सामने तमाम लोगों से बात करी, कोई भी एक योगी का अच्छा काम नहीं बताया योगी का, ये कभी नजर में है कोई ना? बिल्कुल हमारे नजर में कहीं। हाँ, उन्होंने उनके राज में ये कहते थे कि अखिलेश के सरकार में जंगल राज है, गुंडा राज जंगल राज, इससे मुक्त कराओ। यूपी के सामने उन्होंने ये बात कहा,
और आज वही यूपी के लोग कह रहे हैं कि वो गुंडा राज नहीं था, वो जंगल राज नहीं था, ये जंगल राज था। वरना बना लिया बीजेपी को हटाने। हाँ, हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता और युवा सारी चीजें समझ गया है। हमको रोटी और रोजगार की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम में पढ़ने वाले लोग नहीं है अब। एक जमाना था, एक दौर था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं बहका देते थे ये लोग, लेकिन अब बहकने वाले नहीं है। हम लोग अब केवल और केवल विकास को वोट देंगे और इस योगी सरकार को खत्म करना है, फिर चाहे किसी को वोट देना पड़े। हम लोग ताऊ जी काम पे वोट दोगे या फिर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर? हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कहाँ, ये तो भाजपा वालों की जुबान पे है। हिंदू मुस्लिम सिख कहाँ है? ये तो खाली भाजपा वालों और आरएसएस वालों की जुबान पे है। आप वोट देते हैं? हम वोट कहाँ देते हैं? हाँ, वो तो एक लहर रही मोदी 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 हाँ, कि ये साल भाई चिल्ड्रन हुआ है कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं रोने वाला। हाँ, ये किसके लिए? आपको अच्छा नहीं लगा? किसके लिए धन ये इकट्ठा करेंगे? इसलिए हाँ, मोदी को सबने वोट दिया तो मोदी ही हुआ था। भाजपा का उस समय कोई नाम नहीं ले रहा था। हाँ, खाली ये पोस्टर के ऊपर लिखा था भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो आवाजें हर जगह उठती थी मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, तो हर हर मोदी, घर घर मोदी जनता ने तो उठाया किस लालच में? विधानसभा लालच के योगी जी के लिए चुनाव है ये। हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे योगी जी को? 10 में से? अरे योगी जी अपनी जमानत जब तक बचा ले, यही धन्य भाग है। हाँ, आप कितने नंबर दोगे योगी? 10 में से? 10 में से 00। डबल जीरो? डबल जीरो नंबर तो बहुत दूर है। 10 में से 00 देंगे योगी जी को हम।